ट्रेडिंग करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से कंपनी का धागा लेना है, आइए हम बताते हैं। थ्रेडिंग धागा मजबूत भी होना चाहिए, उसे चेक कर लेना है कॉटन में और अच्छे से हाथ में ग्रेप बना के पकड़ना है। और उसको पहले आप हाथों से प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप किसी पे के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आराम आराम से बारीक बारीक से आपको आईब्रो निकालना है और उसमें शेप डालना है। आईब्रो का शेप भी बहुत तरह का आते हैं, जिन जिन को जैसा आईब्रो रहता है उस अकॉर्डिंग शेप डाला जाता है। और आईब्रो थ्रेडिंग करने के लिए आपको पाउडर बहुत ही ज़रूरी है, बिना पाउडर का आपको बाल नहीं निकल पाएगा। और धागा भी मजबूत होना चाहिए, धागा अगर मजबूत नहीं रहा तो वो बीच में ही टूट जाएगा, तो इसीलिए धागा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसे आप पहले चेक कर लो अच्छे से, उसके बाद आप किसी के ऊपर। अगर आपके धागा अच्छे कंपनी के नहीं होंगे तो वो बार बार आपको टूटेगा और कट भी लग जाएगा, इससे आप परेशान हो जाइएगा, इसीलिए आप चेक करके धागा अच्छे कंपनी का लीजिए। फिर धागे को आप राइट साइड में दांतों से दबा के और उसको अपने हाथों में लपेट के उसके बाद एल साइज बनाना है, जैसे ये बना रही थी। और उसके बाद अच्छे से आपको धागा को अच्छे से मुंह में पकड़ के और अपने हिसाब से लंबाई ले लेना है, फिर अच्छे से ट्राई करना है अपने प्रैक्टिस के तौर पे। और अगर आप अच्छे से धागा नहीं पकड़ रहे हैं तो फिर धागा टूट जाएगा, और टूटने से क्या होगा, आपको एट्रेशन बढ़ेगा, इसलिए आप उसको अच्छे से देख के और वैसे ही लपेट के फोल्ड करना है। फोल्ड करके आप बारीक बारीक से हल्का हल्का हाथों को ऐसे ऐसे कीजिए, अपने हाथों को बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और फिर आप किसी के ऊपर धागा चला सकते हैं और आराम आराम से आप उस पर चलाइएगा और शेप डालिएगा। एक्स्ट्रा जो भी बाल हो उसे निकालने का कोशिश कीजिएगा और शेप डालते हुए। फुल प्रैक्टिस के बाद ही आप किसी भी क्लाइंट पे काम कर सकती हैं, इसके लिए आप पहले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा ना, हाथ जितना ज़्यादा चलेगा उतना ही क्लाइंट को दर्द भी नहीं होगा और आप परफेक्ट काम भी कर सकती हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ऐसा ही वीडियो आपको देखने करे और जानकारी चाहिए आईब्रो थ्रेडिंग, फेशियल, वैक्सिंग ये सब के बारे में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको वीडियो बना के आपको प्राइवेट से भेज। आईब्रो के शेप कैसे डालना है, कैसे क्या करना है, हर चीज़ हम आपको इस वीडियो में फिर से बता के आपको पोस्ट करेंगे, आप देख लीजिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो क्लाइंट को ऊपर और नीचा टाइट से बोलिएगा पकड़ने के लिए, फिर आप बारीक बारीक से धागा चलाइएगा तो उनको दर्द कम होगा और कट नहीं लगने का चांसेस रहेगा। तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो इससे भी ज़्यादा आपको अच्छे से उसमें बताएंगे कि क्या कैसे करना है, इसीलिए आप थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिएगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ में। बाय।